जय हिंद। मैं आपका ओम शाह इंग्लिश एस कुमार सर आपके लिए लाया हूँ आज शुड का यूज। आप देख रहे हैं कि मॉडल का एक एक यूज मैं बारी बारी से आपको दे रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मॉडल 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करके मैं पार्ट बाई पार्ट आपको दे रहा हूँ। आप देखते रहिएगा और इन्जॉय करते रहिएगा। तो सर मेरे साथ आप लगे रहिए, चलिए सूड के यूज को हम देखते हैं कि एक सूड जो है अपना अलग अलग यूज कैसे करता है, किन किन पॉइंट पर वो अपना यूज अलग अलग रखता है। तो चलिए बैठते नहीं है, हम काम करेंगे। सबसे पहला यूज है इट इज यूज इन द सेंस ऑफ पास्ट, यानी ये पास्ट के रूप में पास्ट सेंस को देता है, वो भी कहाँ, तो इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन में वो भी किसके बदले में, इंस्टीड ऑफ सेल, यानी सेल के बदले में वो देगा। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। एग्जाम्पल में जब हम एक डायरेक्ट स्पीच बोलेंगे, आई सेड आई शैल डू इट, इस सेंटेंस को जब मुझे बनाना होगा तो हम यूं कहेंगे कि आई शेड दैट आई, और यहां सेल जो है क्या बन जाता है, शुड बन जाता है, शुड डू इट। क्यों बना, क्योंकि ये सेल अपने ये पास्ट रिपोर्टिंग वर्ब को शो कर रहा है, इसलिए पास्ट, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होता है तो उसको पूरे रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में किया जाता है, और इस पॉइंट पर ये सेल जो है आपका शुड का काम करता है और वहां जो है पास्ट का सेंस दिया जाता है। बस दूसरा यूज देखते हैं, इट इज यूज फॉर द सेंस ऑफ। अब फॉर द सेंस ऑफ ये मैं इसलिए लिख दिया हूं ताकि पॉइंट को लिखने में हमें आसानी होगी, हम जल्दी लिख पाएंगे। तो हम देखते हैं क्या ये मोरल के लिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी कह सकते हो आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व या कर्तव्य, नैतिक उत्तरदायित्व या कर्तव्य, उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे सर, ध्यान देंगे। जैसे हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ये हमारा क्या है, मोरल ड्यूटी है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स शुड नॉट टेल अ लाई, भाई विद्यार्थियों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नैतिक कर्तव्य मानना चाहिए, ये करके। चलिए सेकेंड पॉइंट हो गया, हम थर्ड पॉइंट पे काम करेंगे। कहता है इट इज यूज फॉर द सेंस ऑफ, यानी इसका सेंस कौन चीज के लिए होता है, तो गिविंग और रिसीविंग, कौन चीज, एडवाइस। आप किसी को सलाह दे सकते हो, आप किसी से सलाह ले सकते हो। जैसे आप जब बात करोगे तो आप यूं करोगे कि शुड वी इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द मैटर, क्या हम लोगों को पुलिस को सूचना करना चाहिए इस मामले के लिए। तो somebody हमको जो है, कोई आदमी हमको एडवाइस देगा, यानी हम लेने के लिए यहां किए, किसी से हम ले रहे हैं, तो ये टेकिंग हो गया। आप किसी को दे सकते हो, जैसे आपने कह दिया किसी को यू शुड टेक एक्सरसाइज एवरी डे, आपको प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, व्यायाम करनी चाहिए, तो ये आपने क्या कर दिया, गिविंग। इस प्रकार करके हमने तीन यूज देखा। चलिए तीन यूज कॉपी कीजिए, तब तक मैं एक सेकंड का आपको टाइम देता हूं। तो आप देखेंगे इसके बाद जो है चौथा नंबर सेंस क्या देता है, कि इट इज यूज इन द सेंस ऑफ, क्या सेंस दे सकता है, तो हम लिखेंगे लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी विद, लेस पॉसिबिलिटी विद इफ। अब आपके सामने एक मुद्दा है कि आपने कभी अपने लाइफ में इफ के साथ सूड का यूज नहीं किया है, यानी
कंडीशन कहता है कि जब आप इफ के साथ सूड का यूज करते हो, यानी इफ के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे और सब्जेक्ट के बाद अगर सूड लिखोगे, तो इसका एक सेंस होता है। क्या सेंस होता है? कि कोई भी कार्य ना के बराबर समझा जाए। किसी भी कार्य को हम नेगेटिव सेंस में रखेंगे, ना के बराबर, मतलब हम कुछ भी लिखें यहां पर उसके खाली जगह रहेगा कि संभावना संभावना बहुत ही कम है। इसका मतलब हुआ, मतलब कोई आ रहा है तो आने की संभावना, कोई खा रहा है तो खाने की संभावना, कोई जा रहा है तो जाने की संभावना। मतलब एक सेंटेंस को हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा कि इफ ही शुड कम हियर आस्क हिम टू वेट फॉर मी। यहां कहता है कि अगर वह यहां आ जाए, मतलब उसके आने की संभावना बहुत ही कम है। ये बातें आपको समझना पड़ेगा, उसके आने की संभावना बहुत ही कम है, फिर भी यदि वह यहां क्या कर जाए, आ जाए, ठीक है, तो कहना मेरा वह मेरा तो उससे कहना तो उससे कहना मेरा इंतजार करे। ये एक सेंस हो गया। आप चाहो तो इस बात को इसमें जोड़ सकते हो, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि उसके आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, यदि वो यहाँ आ जाए। कहने का मतलब आप इस बात को भी लिख सकते हो, आप फ्री हो, ठीक है, तो इस तरह करके आप कर सकते हो। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, अगर आपने इसके साथ देखा, दूसरा पॉइंट ये है कि आप यूं देख सकते हो, अगर सूड को बाहर निकाल दिया जाए, ऐसा सूड को बाहर निकाल दीजिए और फिर सब्जेक्ट को लिखिए और सब्जेक्ट के बाद वर्ब को वर्ब लिखिए। यानी ऐसा सिचुएशन भी अगर बनता है, ठीक है, तो हम उसी बात को कहेंगे। अगर ये क्लाउज में बनता है, इधर फिर एक क्लाउज रहे, एक क्लाउज इधर रहे, तो इसका भी मतलब यही होगा कि उसके आने की संभावना बहुत कम है। आपने सुड को देखा है, एक ही सेंटेंसों में वो होता है, लेकिन जब कंबाइन करता है दो सेंटेंसों के साथ, तो इसका मतलब यही हो जाता है, उसके आने की संभावना बहुत कम है। यानी आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इफ ही कट के सुड ही कम हियर, आप इस तरह भी बना सकते हो, दोनों का सेंस एक ही होगा। मुझे नहीं लगता है आपको दिक्कत होनी चाहिए। चलिए हम इस पॉइंट से आगे चलते हैं। अब ये कहता है इट इज यूज्ड फॉर द सेंस, यानी ये कौन चीज का सेंस देगा, तो हम यहां पर देते हैं पॉसिबिलिटी। क्या देते हैं सर? पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी के लिए हम ये क्या जानते हैं, इसको हटाते हैं। पॉसिबिलिटी के लिए तीन सेंस होता है, आप देखना तीन सेंस क्या क्या होगा। पहला सेंस आप देखना कि सब्जेक्ट प्लस सूड प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या अदर वर्ड, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड प्लस अदर वर्ड। आप देखेंगे ये पॉसिबिलिटी में तीन तरह के स्ट्रक्चर पर हमें ध्यान देना होता है। एक तो सिंपल, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसका सेंस आप ये लिख सकते हो चाहिए, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो इसको आप लिख सकते हो होना चाहिए, आपको दिखाई दे रहा है, अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो आपको लिखना होगा होना चाहिए था। आप
मुझे समझ में आ रहा है कि आप समझने में मन लगा रहे होंगे। अब पॉसिबिलिटी यानी आपकी पॉसिबिलिटी तीन प्रकार से शो करती है, एक इस प्रकार से, दूसरा इस प्रकार से, तीसरा इस प्रकार से। अब नो डाउट आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे ही शुड रीड एट नाइट, उसे रात में पढ़ना चाहिए। ये सिंपल सेंस है, हमने यहां लिखा ही शुड बी एन इंजीनियर, ठीक है। आप ये कर सकते, आपको ये होना चाहिए यानी उसे ये होना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूं कि ही शुड हैव टेकन एडमिशन इन ओम शाई इंग्लिश, ओम शाई इंग्लिश क्लास। ये तीन चीजों को मैंने आपको दिया, ये पॉसिबिलिटी के सेंस में आप ये कर सकते हैं। अगला सेंस अगर निकल के आता है, छह नंबर में अगर मैं कुछ दूं, तो ये कहता है क्या कि इट इज यूज्ड फॉर द सेंस ऑफ, या आप यू कर सकते हो फॉर द सेंस ऑफ ना लिख के, विद इट इज यूज्ड विद द वर्ड A-E-S-T, लिस्ट। और लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना हो कि, एक वर्ड होता है। तो देखेंगे इट इज यूज्ड विद द वर्ड लिस्ट, ठीक है। हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कैसे बनता है, यानी पहला स्ट्रक्चर जब बनेगा, वर्ब वन, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, आप तब यहां लिखते हैं लिस्ट, तब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद वर्ब का वन, वर्ब वन के बाद अदर वर्ड। ये रहता है इसका स्ट्रक्चर। यानी याद रखना है कि यह अगर इसको, इसका मतलब होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक। सपोज करेंगे एक सेंटेंस मैंने दिया कि अंधे आदमी को पकड़ो, ऐसा ना हो कि कुएं में गिर जाए। अब आप देखोगे तो इस सेंटेंस को आप दो पार्ट आपने किया, अंधे आदमी को पकड़ो, तीसरा सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस ये है कि कुएं में गिर जाए। तो कुएं में कौन गिरे, सर वही गिरे ना, और ऐसा ना हो कि अंग्रेजी क्या होता है, आपने देखा लिस्ट, ये लिस्ट होता है। यानी जब आपको बनाना होगा तो अंधे आदमी को पकड़ो, यानी पकड़ना की अंग्रेजी क्या होगा, कैच द ब्लाइंड मैन, ठीक है। ऐसा ना हो कि अंग्रेजी लिख दो आप लिस्ट। अब क्या कर जाएगी, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या होगा, ही के बाद हमें क्या लिखना है, शुड फॉल इनटू द वेल। आपको हमें लगता है कि आप पूरी तरह से आप समझने में सक्षम हो गए होंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, आप लगे रहिए मेरे साथ, मैं तमाम तरीकों की चीज़ों को आसान भाषा में मैं आपके सामने ला रहा हूँ। बस आप लगे रहो और मेरे साथ अंत तक बने रहो। फिर से मिलते हैं अगले ब्रेक में। बाय।